Hi everyone, welcome to my channel and welcome to another video. First of all, wishing you and your family a very happy new year. May this year get a lot of health, wealth, happiness, prosperity to you and your family or your loved ones. And I would like to start off by saying that I'm very thankful and I'm very grateful ki aap log mere videos dekhte ho, y'all are still subscribed to my channel. It's been more than 4 years now and bahut sare log jo hai, you know, they have been watching me for a very long time. So I would take a moment to thank everyone, जो subscribers है, जो नहीं है, जो वैसे ही मेरे videos देखते हैं, I am very thankful. And last year I kept on saying that I will get consistent, but I could not. मतलब बीच में ऐसे कुछ होता था कि मैं 7-8 दिन videos नहीं डालती थी, even after saying this. But this year I've made it a point that I will be consistent. I will interact more with y'all, and I'll just, you know, I would want to stay connected because I'm very grateful for everything that I have. I have never taken a moment to, you know, thank my subscribers for being there, for commenting. And there are a lot of times जब मैं comment नहीं कर पाती हूँ, and it's not that I've taken things for granted, but there are so many things going on with the new salon and everything. मेरा आधा energy वहीं drain हो जाता है. So I've made it a point this year that I'll interact more. I'll upload good videos, the videos that are helpful for y'all, and y'all can ask me anything in the comment section. I would be there for y'all. So that being said, आज का जो वीडियो है, it's going to be a Meesho haul. And मैंने बीच में Meesho के वीडियोज भी डालना बंद कर दिया था because I wouldn't like, you know, find their quality up to the mark. कुछ भी आ रहा था. But पिछले कुछ महीने में जैसे मैं regularly order करती थी, I have like, you know, started to realize that the platform has evolved a lot. तो मैंने सोचा कि थोड़े और Meesho के वीडियोज बनाया जाए. And with Meesho, I will be exploring a lot of other websites. So in case you want any kind of like, you know, change or any वेबसाइट, पर्टिकुलर वेबसाइट रिव्यू और मे बी यू नो बैकग्राउंड के साथ थोड़ा सा यू नो इंतजार करना, बिकॉज आई विल बी शिफ्टिंग टू माई न्यू हाउस, ओनली देन द चेंज इज पॉसिबल. बट वीडियो कंटेंट में अगर आपको कोई भी चेंजेस रिक्वायर्ड है तो यू कैन डेफिनेटली लीव इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली गिव इट अ थॉट. सो दैट बींग सेड, टूडेज वीडियो इज गोइंग टू बी अ Meesho हॉल एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ वुलन वेयर. आप ही लोगों ने रिक्वेस्ट किया था एंड आई ट्राइड माई बेस्ट टू फाइंड द वुलन वेयर्स जो कि जिनकी अच्छी रिव्यूज भी थे. सो सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द हॉल. सो द फर्स्ट वन दैट आई गॉट इज दिस वन. एंड ये जो है ना, इस टाइप का जो मटेरियल है, लास्ट सीजन भी बहुत ज्यादा इन ट्रेंड चल रहा था. मैंने Meesho से एक बार दिखाया था एंड वो बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो गया था. तो काफी ज्यादा कूल लगता है इस टाइप का जैकेट एंड दिस इज समथिंग यू कैन वेयर इन अ वेरी चिली रीजन एज वेल. सो इसमें मैंने लिया है साइज मीडियम, कुछ इस टाइप से क्रॉप्ड जैकेट है ये. एंड पहनने के बाद भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, फरी लगता है. यू कैन वेयर इट विथ एनी स्किनी जीन्स या फिर कोई भी टाइट फिटेड जीन्स के साथ काफी अच्छा लगेगा. ये कुछ इस टाइप से आगे के बटन इसके ओपन होते, पीछे से इसका कोई भी डिजाइन नहीं है. सो आई एब्सोल्युटली लव्ड इट एंड द क्वालिटी फॉर द प्राइस इज ऑल्सो गुड. उसके बाद मैंने ये वार्सिटी जैकेट लिया है. वार्सिटी जैकेट के नाम Meesho पे काफी ज्यादा क्वालिटीज होते हैं, बहुत सस्ते में भी मिल जाते हैं. एंड देर वॉज वन टाइम जहां पे मैंने यू नो मंगवाया था, कुछ 2000 का जैकेट था, उसकी भी क्वालिटी अच्छी आई थी, तभी मैंने वीडियो फिल्म नहीं किया था. सो ये जो जैकेट की क्वालिटी है, फॉर द प्राइस अगेन इट इज ओके. इसमें मतलब अगर आप बहुत ज्यादा चिली रीजन में रहते हो तो बहुत ज्यादा ठंड तो नहीं जाएगा, बट हाँ कैजुअल वेयर के लिए काफी अच्छा है. थोड़ा बहुत विंटर सीजन में आप डेफिनेटली से पहन सकते हैं, व्हेन इट्स अ लिटिल चिली आउटसाइड. एंड इसमें आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे. ब्लैक मेरे पास इसमें ऑलरेडी है, सो आई ऑर्डर्ड ब्लू. एंड कॉलेज वगैरह के लिए काफी ज्यादा अच्छा है. सो दिस इज व्हाट आई ऑर्डर्ड इन द साइज मीडियम. एंड काफी मतलब यू नो अच्छा मटेरियल है एंड इट लुक्स ऑल्सो रियली गुड. सो दिस इज द सेकेंड वन. उसके बाद मैंने ये ऑर्डर किया. आई वॉज सो क्यूरियस टू सी कि ये कैसे आएगा, बिकॉज Meesho से इससे पहले मैंने मतलब लास्ट टू लास्ट सीजन बहुत सारे विंटरवेयर्स दिखाए थे, उनके हुडीज हमेशा ही अच्छे आते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेलर्स से. सो ये मैंने ब्राउन वाला ऑर्डर किया है एंड इसके पर आप देख सकते हैं कि कॉफी कलर से कुछ लिखा हुआ है. सो इट लुक्स अगेन रियली गुड एंड प्लस इसका जो मटेरियल का यू नो सॉफ्टनेस है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है. एंड अंदर से ना ये फ्ली का मटेरियल है, तो अगेन इट इज डेफिनेटली अ वार्म स्वेटर. सो ये अंदर से भी वार्म है, स्वेटशर्ट काफी ज्यादा अच्छा है. सो ओनली थिंग इज इसमें ना स्टिचिंग का थोड़ा सा मतलब वो है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे
थोड़ा सा डिफेक्ट टाइप का है, बट या पहनने के बाद कुछ ज़्यादा नहीं दिखेगा। आई थिंक कि मुझे ही ये इस टाइप का आया है। अगर आप ऑर्डर करोगे तो शायद कुछ और आएगा, बट एनी विश वेज इफ यू गेट समथिंग लाइक दिस, ऐसा नहीं है कि मतलब ज़्यादा दिख रहा है। सो ओवरऑल आई रियली लाइक इट। आई नो देयर इज अ डिफेक्ट बट आई स्टिल लाइक इट, द क्वालिटी इज गुड। सो इसमें भी मैंने मंगवाया है साइज स्मॉल मंगवाया मैंने इसमें, थोड़ा सा मतलब लूज टाइप का था ये। उसके बाद ये जो आइटम है ना, बहुत ज़्यादा इन ट्रेंड चल रहा था मीशो पे, सो आई थॉट लेट्स जस्ट गिव इट अ ट्राई। इसमें आपको बहुत सारे कलर्स मिलेंगे एंड आई एम रियली सरप्राइज विद द क्वालिटी। निट का मटेरियल है, इट इज़ रियली स्ट्रेचेबल, एंड ये भी मैंने मीशो से ही लिया था काफ़ी टाइम पहले। मैंने इसे ज़्यादा पहना नहीं, सिर्फ वीडियोज़ में पहना है मैंने इसे, एंड इसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सो आई थिंक दैट इसका भी क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, मतलब धोने के बाद भी। यहाँ पे आपको पफ स्लीव्स मिल जाएंगे, यहाँ पे स्लीव्स के लिए दीज डिफरेंट टाइप ऑफ स्लीव्स, आप देख सकते हैं कि थोड़े से लॉन्ग है एंड ठंड के टाइम में काफी अच्छा है। प्लाजो के साथ आप पहन सकते हैं, जीन्स के साथ, स्कर्ट्स के साथ आप पहन सकते हैं, एंड इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे। प्लस दिस इज अ रिलेटिवली थिकर मटीरियल दैन समथिंग लाइक दिस, ऐसे जो मीशो पे बहुत ज्यादा मिल जाता है। आप इन्हें समर में भी पहन सकते हो, इतना मतलब वार्म नहीं है, बट ये काफी ज्यादा वार्म है। सो इसमें मैंने मंगवाया है साइज मीडियम। इसमें एक बहुत अच्छा ग्रीन कलर भी था तो मैंने नहीं मंगवाया, बिकॉज मैंने ऑलरेडी इस हॉल में बहुत सारी ग्रीन चीजें मंगवाई है। सो टॉकिंग अबाउट ग्रीन, आई ऑर्डर्ड दिस एंड आप देख सकते हैं कि ये पोलो नेक टॉप, हाई नेक, टर्टल नेक टॉप है यहाँ पे, एंड फुल स्लीव्स का है, एंड देन इट्स लाइक प्रॉपर लाइक ग्रीन इन कलर। इसमें आपको 9 to 10 कलर्स मिल जाएंगे। नाउ ये जो है ना विंटर के लिए, मतलब आप सिर्फ इसे नहीं पहन सकते, यू विल हैव टू वेयर अ जैकेट इफ इट इज चिली, बिकॉज जैसे मैं मैंशन कर रही थी क्वालिटी में डिफरेंस है। इस टाइप का हल्का सा मटीरियल है ये वाला, सो इसके ऊपर आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ पहनना पड़ेगा। एनी विच वेज द मटीरियल इज गुड, इट्स सॉफ्ट एंड कलर भी इसका बहुत ही ज्यादा प्रिटी है। सो नेक्स्ट मैंने जो लिया है वो मैंने ये वाला जैकेट लिया, एंड दिखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, समथिंग दैट आई कैन वेयर फॉर जस्ट लाइक कैजुअल वेयर, तो इसीलिए मैंने ये वाला मंगवाया। आप देख सकते हैं ये भी क्रॉप्ड जैकेट है। आजकल मुझे क्रॉप जैकेट बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, बिकॉज वो मेरे बॉडी टाइप पे काफी अच्छे लगते हैं, बहुत सारे और भी बॉडी टाइप्स हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं, एफर्टलेस ड्रेसिंग लगता है। सो ये कुछ इस टाइप से आप देख सकते, इसमें 3 to 4 कलर्स है, एंड ये जितने भी सारे बटन्स है ना सारे ओपन होते हैं, अंदर से जो है आपको इस टाइप का मटेरियल मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको फर्स्ट जैकेट दिखाया था, जो मटेरियल था वही, दिस इज नॉट फ्ली बट आई डोंट नो व्हाट दिस मटेरियल इज कॉल्ड, बट ये बहुत ज्यादा कोजी होता है, क्योंकि मेरे पास अमेजोन से एक ऐसा कंबल मैंने लिया था, बहुत ज्यादा कोजी होता है एंड ठंड बिल्कुल भी नहीं लगती है उसमें। सो ये पूरा आपको इसी टाइप से मिलेगा। तो जैकेट में जो ये वाला पोर्शन है ना, अपार्ट फ्रॉम द स्लीव्स, सारे पे टॉप टू बॉटम आपको इसी टाइप का मटेरियल मिल जाएगा। इट हैज अ हुडी एंड हुडी के साथ स्ट्रिंग भी है, जस्ट स्लीव्स पे आपको ये वाला मटेरियल नहीं मिलेगा। सो ओवरऑल इसकी भी जो क्वालिटी है ये काफी ज्यादा अच्छी है, एंड इसमें मैंने लिया है साइज मीडियम। सो दिस इज व्हाट आई गॉट। उसके बाद मैंने एक नॉर्मल सा स्वेटर लिया है, एंड ये लिया है मैंने अपने लिए नहीं लिया है मतलब। सो ये कुछ इस टाइप से स्वेटर है, एंड ये आप डेफिनेटली किसी के लिए भी घर में ले सकते हैं, बिकॉज ये एक बहुत ज़्यादा सिंपल सा स्वेटर है, या फिर कुर्ते के साथ अगर आपको कोई स्वेटर पहनना है तो इस टाइप का आप डेफिनेटली ले सकते हैं। ये जो है ना ट्रेडिशनल टाइप का स्वेटर है, बहुत ओल्ड स्कूल टाइप का स्वेटर है, एंड कुर्ता साड़ी इसके साथ ये सब बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा। ऑब्वियसली वेस्टर्न के साथ इतना अच्छा जाएगा नहीं। तो ये जो मटेरियल है इसका अगेन बहुत ज्यादा अच्छा है, वुलन का मटेरियल है, वी नेक में आपको मिल जाएगा। सो इसमें मैंने साइज मंगवाया है मीडियम, बिकॉज मीडियम साइज से ये स्टार्ट हो रहा था। बटन्स दे रखे हैं, एंड बटन्स पे आप देख सकते हो यहाँ पे पैटर्न दे रखा है। सो काफी अच्छा है, मतलब कोई भी मैच्योर्ड इंसान के लिए अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा पीस है, एंड विंटर सीजन में बहुत अच्छा चलेगा। सो इसका क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छा है, मीडियम साइज में मैंने मंगवाया है। उसके बाद मैंने ये एक पीस मंगाया, ये थोड़ा सा झांकी पैंकी लग रहा था मुझे, बट आई स्टिल वेंट अहेड एंड ऑर्डर्ड दिस। नाउ ये जो है ना ये थोड़ा सा ड्रेस टाइप का लग रहा है, मतलब यू कैन वेयर इट एज अ ड्रेस। आप देख सकते हैं इस पे जेब्रा प्रिंट दे रखा है, बट मॉडल ने इसे एज अ जैकेट ही पहना था ना। इसमें मतलब ये जस्ट फैशन जैकेट जैसे मुझे लग रहा था, थोड़ा सा थिक होगा बट ये फैशन जैकेट जैसे ही है, इसमें कोई ठंड वंड नहीं जाएगा, बिकॉज आप देख सकते हैं इस टाइप से पॉलिएस्टर का थिन सा मटेरियल है, इतना भी थिन नहीं है बट है, मतलब कंपैरेटिवली काफी थिन मटेरियल है, एंड स्लीवलेस है ऊपर से।
तो आप कोई भी मतलब हाई नेक टॉप के साथ जो थोड़ा सा मोटा कपड़ा हो उसके साथ पहन सकते हैं विद जीन्स एंड बूट्स, तो ये काफी अच्छा लगेगा। या फिर अगर आप इसे समर में एज अ ड्रेस पहनना चाहते हैं तो भी एज अ ड्रेस पहन सकते हैं, बटन ओपन करके भी रख सकते हैं एज अ जैकेट, बटन क्लोज करके एज अ ड्रेस के साथ भी जैसे पहन सकते हैं। एंड ऑल्सो यू कैन स्टाइल इट, जैसे आप टर्टल नेक ऊपर मतलब अंदर पहनोगे ये पहनोगे, यू कैन ऑल्सो वेयर स्टॉकिंग्स एंड हाई बूट्स विद दिस। इसका जो मतलब बटन्स है कुछ इस टाइप से दे रखे हैं, मुझे बटन्स कुछ खास पसंद नहीं आया बट ओवरऑल अच्छा लग रहा था। सो इसे मैंने मंगवाया है इन द साइज स्मॉल, इसमें बहुत सारे साइजेस अवेलेबल थे। एंड लास्ट मैंने ये ड्रेस लिया है मरून कलर का, जो कि अगेन विंटर के लिए काफ़ी अप्रोप्रिएट है, बट इसका जो मटेरियल है ना बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, ऐसे ही टाइप के मटेरियल का है, बट हाई नेक है इसमें, आपको इसमें फुल स्लीव्स मिल जाएंगे। एंड ये काफ़ी लंबा ड्रेस है, जैसे मतलब बहुत सारे लोगों को शायद मैक्सी ड्रेस होगा, बट मेरे लिए काइंड ऑफ मिडी टाइप का आता है ये, एंड मिड लेंथ आई वुड से, लाइक नी के भी नीचे तक का लेंथ। सो ये कुछ इस टाइप से है, इट इज प्रिटी स्ट्रेचेबल, इसके साथ आप कोई भी लॉन्ग ब्लैक कलर का जैकेट पहन सकते हैं। यू कैन ऑल्सो पेयर इट विद अ रियली नाइस बेल्ट एंड अ नाइस क्लच विद बूट्स, देयर आर सो मेनी वेज इन विच यू कैन पेयर दिस बिकॉज ये एकदम ही प्लेन है। सो ये भी मुझे काफी अच्छा लगा एंड स्मॉल साइज का लिया, बट ये जो साइज है ये मीडियम साइज वाले भी ले सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेचेबल है। एंड द लास्ट प्रोडक्ट दैट आई ऑर्डर्ड इज दिस, ये मुझे बहुत 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 ज्यादा अच्छा लगा। ये एक ब्लेजर है, इसे मैंने मीडियम साइज में मंगाया, थोड़ा सा बड़ा है मेरे लिए, बट आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा सेज ग्रीन कलर है, इसमें और कलर्स अवेलेबल नहीं थे। एंड ये कुछ इस टाइप से है, पॉकेट्स दे रखे हैं, देयर आर बटन्स ओवर हियर, एंड अंदर से ना इस टाइप का आपको सिल्क का मटेरियल मिल जाएगा, एंड ऊपर से ये बहुत ही अच्छा हाई क्वालिटी का स्वेड मटेरियल है। एंड ये जो स्वेड मटेरियल है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, यहाँ पे अगेन आपको बटन्स मिल जाएंगे, यू कैन डेफिनेटली वेयर दिस इन विंटर सीजन कोई ड्रेस के साथ, या फिर अगर आप इसे बाद में यू नो ऑफिस के कोई पार्टी के लिए पहनना चाहते हो या फिर कोई मीटिंग के लिए पहनना चाहते हो तो भी पहन सकते हो, बिकॉज आप देख सकते हो बहुत सिंपल सा है एंड स्वेड का है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, पीछे से आपको इस तरीके से मतलब कोई स्लिट एंड ऑल नहीं मिलेगा। सो इसकी जो फिटिंग है ना, मतलब जो अगर आप मीडियम साइज के हो तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आएगा फिटिंग, बट ये मैं स्मॉल साइज मोस्टली पहनती हूँ तो ये फिटिंग हल्का सा लूज था मेरे लिए। सो दिस इज द लास्ट प्रोडक्ट दैट आई गॉट एंड दैट कम्प्लीट्स माई हॉल। डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को ये हॉल वीडियो कैसे लगा, एंड इफ यू वुड लाइक टू सी अ पार्ट टू ऑफ दिस। ऑल्सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन रीसेलिंग वीडियोज, आई एम सेलिंग मोस्ट ऑफ माई प्रोडक्ट्स ऑन द फ्री अप ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। और मैंने 3 से 4 ऐसे रीसेलिंग के वीडियोज बनाए भी हैं, मोस्टली प्रोडक्ट्स जो है मीशो के ही है, एंड देर आर प्रोडक्ट्स दैट आई एम सेलिंग फॉर 100-200 rupees, जो मैंने 1000 के लिए का लिया था, उससे भी बढ़ के लिया था। एंड ऑल्सो हैव सम प्रोडक्ट्स फ्रॉम मिंत्रा, अमेजोन एंड अर्बेनिक दैट आई एम सेलिंग एट अ वेरी लो प्राइस, जो मैंने पहने भी नहीं है, समा विथ टाइग, तो आप डेफिनेटली उन्हें चेक कर सकते हैं। ऑल्सो उस ऐप पे कोई भी बागेन नहीं होता है, आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग फॉर कॉइन्स, सो या कीप दैट इन माइंड। सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।